Good morning, students. So today we will discuss about a new topic, post-fertilization changes. In previous lecture, we have read about fertilization, double fertilization, which is a specific feature in angiosperms, and we have discussed about anther structure. Okay, the structure of female gametophyte. So, in order to understand this topic, please do revise previous topics and watch the previous lectures of mine. So, today, post fertilization changes. यानी जब fertilization हुई थी, हमने last lecture में पढ़ा कि there is double fertilization. In angiosperms, where we have two male gametes, one male gamete gets fused with an egg cell to form a zygote, and the second male gamete gets fused with two polar nuclei to form primary endosperm nucleus or triploid endosperm. And then that endosperm actually gives nourishment to the growing embryo. तो जो आप लोगों ने पढ़ा था about double fertilization, fertilization एक बार अब हो चुकी है, zygote बन चुका है, endosperm बन चुका है. अब हम पढ़ेंगे what happens after fertilization or post fertilization changes. Here you can see the structure of ovary. And inside ovary, you can see over here ovule, bitegmic anatropous type of ovule, upside down. So after the fertilization, what happens? This ovary is modified into fruit. This ovule is modified into a seed and integuments. These integuments are modified into seed coat. तो ये इनकी post fertilization modifications हैं. These are post fertilization modifications of ovary, ovule and integuments into fruits, fruit, seed and seed coat. So here you can see new cells. Actually सभी जो प्लांट्स के अंदर जब हम बात करते हैं अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो ऐसा नहीं है कि सभी में आपको ये न्यूसेलस मिलेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. कुछ एक प्लांट्स होते हैं जहां पे आपको कुछ एक प्लांट्स आपको मिलेंगे जिनके कि ओव्यूल में न्यूसेलस यानी वो सेल मास रहेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो जिन ओव्यूल्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी न्यूसेलस का कुछ मास रह जाता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, उन सीड्स को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड्स. यानी फॉर एग्जांपल इन बीट रूट्स के जो सीड्स होते हैं, दो सीड्स आर पेरिस्पर्मिक सीड. व्हाट डज इट मीन, दीस सीड्स डू हैव न्यूसेलस और अ सेल मास आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन. यानी नॉर्मली आपको ये चीज नहीं मिलेगी, नॉर्मली न्यूसेलस नहीं मिलेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ओव्यूल, लेकिन कुछ एक प्लांट्स में न्यूसेलस रहता है, बचा रहेगा न्यूसेलस ये सेल मास इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ऐसे सीड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड्स लाइक इन बीट रूट. एंड हियर यू कैन सी दीज एंटीपोडस towards chalazal end, this is micropyle end. So towards chalazal end, these antipodals now start degenerating. This is endosperm, and now this endosperm will give nourishment to the growing embryo. This egg cell after fertilization now has become a zygote. Now it would become an embryo after some time. And that embryo will get nourishment from this endosperm. Okay, and these are degenerating synergids.
अब आपके दिमाग में भी चीज बात आनी चाहिए कि जो डीजनरेटिव एंटीपोडल्स हैं या डीजनरेटिव सिनर्जिड्स हैं, इनका काम क्या है? इनका काम ऐसा कुछ भी खास नहीं है, लेकिन ये दोनों डीजनरेट होने के बाद एक तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक अपना एक न्यूट्रिटिव फंक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मींस फ्रूट सीड और सीड पॉड बनने की ये स्टोरी है। एंड इट्स ऑल अबाउट, अगर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी उस ओव्यूल के अंदर, तो हमने क्या बोलेंगे, जब वो सीड मॉडिफाई होगा हम उस सीड को क्या बोलेंगे जिसके पास अभी भी न्यूक्लियस है, पेरिस्पर्मिक सीड, लाइक इन बीट रूट। नाउ लेट्स कम टू द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। देयर आर थ्री काइंड ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दिस अंडरगोज ओनली कैरियोकाइनेसिस, मीन्स ओनली न्यूक्लियर डिविजन, देर वॉन्ट बी एनी साइटोकाइनेसिस। यहां पे साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिविजन नहीं होगी, सिर्फ वहां यहां पे न्यूक्लियर डिविजन ही होगी। यहां देखिए, ओनली न्यूक्लियर डिविजन टेक्स प्लेस, ओके, विद आर द वेरियस न्यूक्लियर बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, वाटरी पार्ट ऑफ कोकोनट, जो पानी रहता है कोकोनट सीड के अंदर, वो क्या है एक्चुअल में, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, देन वी हैव सेलुलर एंडोस्पर्म। इन सेलुलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और साइटोकाइनेसिस। इस केस में क्या हुआ था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में देर इज नो साइटोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस। बट इन केस ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म देर इज कैरियोकाइनेसिस विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। हियर यू कैन सी कैरियोकाइनेसिस, देन अलोंग विद कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। यहां पे ना केवल न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, लेकिन साथ साथ में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो रही है। समटाइम लेटर इट बिकम्स अ क्लस्टर, एज यू सी इन केस ऑफ कोकोनट। व्हाइट एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, जो व्हाइट एडिबल पार्ट जिसे हम खाते हैं, व्हाइट एडिबल पार्ट को, दैट व्हाइट एडिबल पार्ट इज नथिंग बट द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एंड द वाटरी पार्ट, जो पानी उसके अंदर है, दैट वाटरी पार्ट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड ऑल द सेल्स प्रेजेंट दैट इन व्हाइट एडिबल पार्ट आर ट्रिप्लॉइड, ओके, 3N। एंड देन वी हैव हेलोबियल एंडोस्पर्म। एंड दिस हेलोबियल एंडोस्पर्म जनरली फॉर्म इन मोनोपोड्स, इन मोनोपोड्स, ओके। सो व्हाट हैपेंस इन हेलोबियल, देयर इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, वेरी क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ दिस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो यहां पे भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहां पे होगी, कुछ ही सेल्स में डिवीजन होगी। या देखिए, ऑल दीज आर न्यूक्लियर बॉडीज, ऑल दीज आर न्यूक्लियर बॉडीज। तो दिस हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन मोनोकोट्स। सो इट्स ऑल अबाउट, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट फर्टिलाइजेशन, वी हैव स्टडीड अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, एंड नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डाइकोट, डाइकोट्स एम्ब्रियो, डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। थैंक यू वेरी मच।